dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. this is module number 183 and now we are, our concern is that we have to consider a therapy. being a toxic handler, sometimes you yourself is not able to tackle the situation. so when you are not able to tackle the situation, usurat me padega because that therapy is going to cause us our

what can be the symptoms, what can be the causes, and what can be the solutions. a trained psychologist can talk about the symptoms, can talk about the causes, and can know the solutions as well. a trained psychologist knows ke kaha par ka burnout level chuka hai aur ab unko treat or train humne wo kaise karna hai. so we have to be careful. Ke a trained psychologist is the person do amareli ek ventkambhi karega. another important thing that we need to understand when we are talking about the therapy, Is to a जो के आपको गाइड कर सकता है साइकोलॉजी एंड द माइंड वर्किंग और उसको पता है कि इंसान किस तरह का रद्दअमल अख्तियार करता है जब वो यस कह रहा है और जब वो नो कह रहा है और उसके नो कहने के साथ भी कौन कौन से एस्पेक्ट ऑफ गिल्ट वो इन्वॉल्व हो सकते हैं तो जब वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता है तो उसकी राय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा रिमेंबर साइकोलॉजिस्ट है जो फील्ड का बंदा है जो समझता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना लोगों को करना पड़ता है दैट इज द पर्सन जो कि स्ट्रेस सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करता है और उन स्ट्रेस सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद वो आपको सोल्यूशन बता सकता है वो आपको एक्सरसाइजेस बता सकता है वो आपको मेडिटेशन के मेथड्स बता सकता है, जिससे कि आप अपने रिलीफ, गिल्ट एंड आउट ऑफ द गिल्ट आने से ऑब्वियसली आपकी जो कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी है इट कैन इनहस इट कैन फर्दर बूस्ट एंड यू कैन बेटर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द Effectiveness and the promotion and the support of the people around you. sometimes we need to talk and deal with the clinical psychologists. Ab wo clinical psychologists wo log hain jo ke apko protection provide kar sakte hain par kyun emotional distress ka shikar ho And they are the people who can guide you, train you in a right fashion to deal with your emotions when you are dealing with the other people. नंबर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज द पर्सन जो कि आपको असिस्ट भी कर सकता है आपके रोल में बिकॉज वो आपके साथ शेयरिंग करेगा आपके स्ट्रेस को एंड बी बेटर एबल टू डील विद द द स्ट्रेस ऑफ अदर पीपल इसी तरह जो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है दैट कैन नो बिकॉज दैट पर्सन इज एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड उसको इस बात का पता है कि हाउ टू लिसन टू द क्लाइंट और वो अपनी एक्टिव लिसनिंग कैपेबिलिटी से वो अपनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के साथ स्ट्रेस रिलीफ का काम करेगा और उससे ऑब्वियसली द पीपल वुड बी फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड दे विल बी रेडी टू डील विद द एवरीडे रूटीन लाइफ एक्सपोजर्स एंड द सिचुएशंस जहां पर उनकी जरूरत मौजूद है लाइकवाइज याद रखिएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज द पर्सन जो के स्किल बिल्ड के अंदर भी आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को कॉम्पिटेंसीज को कैसे एनहांस करें टू डील विद द पीपल इन राइट फैशन बिकॉज़ ये एस्पेक्ट ये ट्रेनिंग ये आपके लिए जरूरी होगी अपनी स्किल्स को बेहतर वो करने के लिए बिकॉज गॉड गिफ्टेड ऑब्वियसली लोगों के पास कैपेबिलिटी हो सकती है लेकिन हमें उसको फोकस्ड अटेंशन के अंदर ट्रेन एंड डेवलप करने की भी जरूरत यकीन है डियर स्टूडेंट्स टॉक्सिक हैंडलर इज द पर्सन जो कि एग्रेशन और स्ट्रेस को डील कर रहा है एंड इफ द टॉक्सिक हैंडलर फील्स कि वो खुद टॉक्सिसिटी का शिकार हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो बर्नआउट सिचुएशन में जाने से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का राबता कर ले ताकि वहां से वो डिस्कस कर सके कि हाउ टू बेटर डील विद द पीपल इन ए राइटफुल फैशन थैंक यू